तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम फॉर्मूला का चैप्टर कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लासेस में वी लुकअप एंड लुकअप मेथड को कंप्लीट किया था और आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। उससे आगे की जो कैटेगरी है हमारे पास, वो फॉर्मूला की कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री का। हमने अभी तक पढ़ा है टेक्स्ट कैटेगरी, हमने पढ़ा है डेट एंड टाइम कैटेगरी, हमने पढ़ा है लुकअप एंड रेफरेंसेस के बारे में। तो हमने आपको लॉजिकल पूरा पढ़ाया, हमने आपको टेक्स्ट भी पूरा पढ़ाया, कोई फॉर्मूला नहीं छोड़ा, डेट एंड टाइम भी पूरा पढ़ाया, लुकअप रेफरेंस को भी पूरा पढ़ाया है, कोई चीज नहीं छोड़ा है इसमें। लेकिन अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में मैं सारा फॉर्मूला नहीं कराऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले मैथमेटिक्स से रिलेट करते हैं जो कि हमें इसका इस्तेमाल बहुत कम मिलता है, या फिर अगर मैं उसको समझाने जाऊं तो मुझे उसकी मैथमेटिक्स समझानी पड़ेगी। इसलिए जो फॉर्मूला हमें रिपोर्ट ऑटोमेशन में यूज होता है वही हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उसके अलावा कोई और फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको सीखने हैं, आपको जरूरत है, आप सीखना चाहते हो कि भाई मुझे जरूरत पड़ती है, तो मुझे उसका लिस्ट दे दीजिएगा और हम आपको सिखा देंगे। मुझे अगर आता होगा तो मैं आपको सिखा दूंगा, नहीं आता होगा तो हम दोनों बैठ के उस पर रिसर्च करेंगे। ठीक है सर, मैंने कहा था कि मुझे सारे फॉर्मूले आते हैं क्योंकि मेरी बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड आईटी की है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले इंजीनियरिंग है, बहुत सारे फॉर्मूले फाइनेंशियल है जो कि मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगा। फॉर्मूला अप्लाई करना तो आता होगा लेकिन रिजल्ट किस बिहाफ पे आ रहा है, उस पर क्या ट्रिक्स है, ये चीजें नहीं आता होगा। तो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो हम दोनों बैठ के रिसर्च कर लेंगे। तो अब बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री की। सबसे पहला फॉर्मूला एबीएस। एबीएस मतलब कि एब्सोल्यूट नंबर वैल्यू। मान लीजिए ना कि अगर आपके पास आप अगर एक डेटा ले रहे हैं इनकम का, तो इनकम दो वे में आता है। एक तो आपके पास कैश रिसीव हुआ 2,000 रुपए, ये आपका इनकम है, लेकिन आपने 8,000 की शॉपिंग की, आपको 6,000 रुपया, मान लीजिए 7,000 रुपया का ही बिल आया, आपको 1,000 रुपया डिस्काउंट मिल गया। ये 1,000 रुपया तो आपका इनकम है ना सर, लेकिन आपके स्टेटमेंट में तो माइनस में डेटा रहेगा ना, क्योंकि आपके लिए इनकम है लेकिन उसके लिए जिसने दिया है उसके लिए तो डिस्काउंट है, तो माइनस ही देखेगा। तो कहने का मतलब है कि आपके पास प्लस में और माइनस में कई सारे डेटा है। तो मुझे इसको सम करना है, तो टोटल इनकम सम करना है, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई वैल्यू माइनस भी दी गई है उसको प्लस में कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, हम माइनस के साथ उसको सेलेक्ट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो आपके पास जो प्लस की वैल्यू, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो भी निगेटिव की चली जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ निगेटिव को निगेटिव रखना है, पॉजिटिव को यहाँ पर रखना है। तो उस केस में हम यहाँ पे इक्वल एवीएस का फॉर्मूला लगाते हैं। एवीएस का फॉर्मूला है, काम सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, लेकिन इसका यूज जो है हम लोग अलग अलग चीजों में भी करते हैं। याद, इसमें हमने आपको एक रैप्ट का फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है आप लोगों को सर? तो इस रैप्ट के फॉर्मूला में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि इसका यूज आप समझ जाएंगे। बहुत जगहों पे होता है जहाँ पे हमें डेटा तो माइनस में है लेकिन उसको किसी और फॉर्मूले में, किसी और तरीके में हमें प्लस में यूज करना है। तो जैसे एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एक ही कॉलम में लिखा हुआ है। प्रॉफिट को प्लस में लिखा गया है, लॉस को माइनस में लिखा गया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इस पे चार्ट बनाता हूं या फिर ग्राफ ये बनाता हूं, जो रैप टेक्स्ट बनाते हैं हम लोग, चार्ट भी बना सकते हैं इस पे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ जो, तो चार्ट में क्या हुआ कि माइनस वाला नीचे आ जाता है। हम चाहते हैं कि जो माइनस का कलर अलग हो, तो मैनुअल कलर चेंज करेंगे। मान लो कि इसका हमने मैनुअल कलर चेंज कर दिया, जब ये प्लस में जाएगा तो कलर इसका सेम रहेगा। तो हम चाहते हैं कि इसका अलग अलग कलर हो माइनस प्लस का, और ये नीचे ना दिखे, ऊपर ही दिखे। लॉस मतलब कि मुझे लॉस जो दिखाना है, और यहाँ डेटा माइनस में है लेकिन यहाँ प्लस में ही शो करे, बट कलर रेड हो जाए ताकि हम आइडेंटिफाई करें कि रेड इट मींस लॉस, ताकि इजीली हम कंपेयर कर सकें, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे कंपेयर करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे भी हम इस एबीएस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देंगे लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन यहाँ पे जीरो, प्रॉफिट एंड लॉस हमने कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ का फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर लेस देन जीरो है तो एबीएस, एबीएस में इसको शो करें, अदरवाइज ब्लैंक। ठीक है, और फिर यहां पे हमने बोला कि इफ अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो इसको शो करो, अदरवाइज ब्लैंक। इसमें एबीएस लगाने की जरूरत नहीं है कि प्लस में है। उसके बाद हम एक ब्लैंक चार्ट लेके इसको बना लेंगे, यहां से ब्लैंक चार्ट, क्योंकि इसको सिलेक्ट करके चार्ट नहीं बनाया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इसमें गया सिलेक्ट डेटा और ऐड, हमने यहाँ पे हेडिंग दे दिया ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रॉफिट, प्रॉफिट, और प्रॉफिट वाले में हम प्रॉफिट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर एक और ऐड करते हैं, इसमें हम कर देते हैं लॉस, और फिर लॉस वाले में हम एक और लॉस का कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लॉस हमारा अलग कलर में है और एक कलर चेंज होगा, जैसे मान लीजिए कि 85 लॉस था लेकिन प्रॉफिट हो गया, तो देखिए आपका कलर चेंज होकर प्रॉफिट वाले में आ गया। एक एग्जांपल ये है, एक और एग्जांपल मैं इसका एवीएस का देता हूं जहां यूज करते हैं। जैसे अखिल जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ले प्लीज। यहां पे हम फॉर्मूला देंगे इफ का कि इफ अगर ए ग्रेट लेस देन जीरो है तो रैप्ट में हमने एक करैक्टर को दिया और हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। ये डिवाइड बाय मैं 20 कर देता हूँ, चाहे नहीं डिवाइड बाय 5 कर देता हूँ, अदरवाइज ब्लैंक, क्योंकि बड़ा हो जाएगा इसलिए डिवाइड बाय 5 हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए रैप्ट में एक, क्योंकि ए नहीं हो रहा है क्योंकि माइनस है, इसलिए रैप्ट माइनस में नहीं लेता है, तो इसको एवीएस में डालना पड़ेगा ताकि ये प्लस बन जाए, ताकि हमारा वहां पे बार शो हो। और इसी सेम फॉर्मूला को हम कॉपी करते हैं और इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। बस इसमें हम इतना करते हैं, इसको हम ग्रेटर देन जीरो कर देते हैं और इसको ऐसा दिख रहा है। अब इस पे मैं एक फॉन्ट होता है ब्रिटानिक बोल्ड का, वो ब्रिटानिक बोल्ड का फॉन्ट इस पे अप्लाई हम कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करके हम ये देते हैं, और ये तो ऑलरेडी है ही। इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं, सॉरी टेक्स्ट कलर ग्रीन करेंगे, ध्यान रखिएगा, और इसकी कलर जो है हम इसको रेड कर देते हैं। और बीच में मैं एक लाइन यहां से दे देता हूं, ये लाइन, और नीचे एक हम लाइन दे देते हैं। इसको मर्ज करते हैं और हम यहां पे लिखते हैं माइनस जीरो प्लस। सिंगल कोट लगा देते हैं। ठीक है, और हम इसमें फॉर्मूला लेआउट में जाके मैं इसका ग्रिड लाइन हटा देता हूं। अब यहाँ पे माइनस अगर मैंने 80 दे दिया तो माइनस 80 का आ जाएगा। ठीक है सर, तो एबीएस फॉर्मूला हल्के में नहीं लीजिएगा, हाँ इसका यूज अच्छा खासा है। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला जो है उसका सिंगल यूज नहीं होता, लेकिन जब किसी के साथ मिल जाता है तो उसका अच्छा खासा यूज होता है। अब इसी में आते हैं, बात करते हैं, यहाँ पे आपके सामने एक एग्रीगेट का फॉर्मूला है। अब एग्रीगेट फॉर्मूला को पढ़ने के लिए हमें सब टोटल को समझना होगा। सत्यवीर जी, सब टोटल का फॉर्मूला आता है आपको? ठीक है सर, सब टोटल का समेशन से होता है ना सर? नहीं, समेशन सिर्फ नहीं कहेंगे, और भी बहुत सारी चीज होता है उसमें। जैसे मान लीजिए ना एग्जांपल में यहाँ इसी को ले लेता हूँ, हाँ ठीक, और इसको पेश किया। अब नीचे में मैं यहाँ पे टोटल ऐड करता हूँ, तो मुझे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो हमने यहाँ पे सम कर दिया और सम लेके इसका टोटल हमने शो कर दिया। यहाँ मैं टोटल शो भी हो रहा है। और इस तरह से मुझे एमआरपी का एवरेज चाहिए, तो हमने यहाँ पे एवरेज दे दिया और मेरा यहाँ पे एवरेज भी शो हो रहा है। और जाहिर सी बात है यहाँ अमाउंट का टोटल चाहिए तो शो हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको फिल्टर करता हूँ, सिलेक्ट किया, फिल्टर किया, और फिल्टर करने के बाद मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जैसे सीआरटी को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो टोटल और यहाँ जो एवरेज वगैरह दिख रहा है वो ओवरऑल को दिख रहा है, ना कि सीआरटी का सिर्फ दिख रहा है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए ओनली फॉर सम या एवरेज, किसका? विजुअल सेल्स का, समझ गए? ताकि हम देख सके हाँ इसका टोटल इतना है। तब तो मुझे इसको सिलेक्ट करके टोटल यहाँ से देखना पड़ेगा कि हाँ टोटल इतना है, फिर इसको एवरेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एवरेज देखना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो इस केस में हम नॉर्मल सम नहीं यूज करेंगे, हम या नॉर्मल एवरेज यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे सब टोटल। सब टोटल हमने लिया। अब सब टोटल सिर्फ सम नहीं करता है, सब कुछ करता है। तो मुझे इसमें सम चाहिए, तो मैंने सम का जो सीरियल नंबर 9 उसको लिख दें या फिर टैब से सिलेक्ट कर ले, फिर कॉमा, हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिए, सम आ गया। ऐसे यहाँ पे मुझे एवरेज चाहिए, इसमें एवरेज चाहिए, देन सब टोटल, और हमने यहाँ पे एवरेज का 1 लिया और हम सिलेक्ट कर लिए अपने रेफरेंस को, और सम के लिए भी सेम जैसे लगाया था वैसे लगाया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट या किसी कंडीशन पे अगर मैं फिल्टर करूंगा, तो मुझे यहाँ पे जो टोटल दिख रहा है, ये टोटल सिर्फ किसका दिख रहा है? हमारे सीआरटी का, या जो भी हमारा फिल्टर्ड है सिर्फ उस फिल्टर्ड का दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो गवर्नमेंट का 2 है, तो 2 का सम आया। तो सब टोटल समझ में आ गया? सत्यवीर जी, अविनायक जी, जी समझ में आया जी? सर ठीक है, हाँ सब टोटल या किसी भी एक फॉर्मूले का एक दिक्कत है। अभी अगर मैं कोई भी फॉर्मूला, मान लीजिए फॉर्मूला लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लेता हूँ, तो अगर मैं इस पे सम करता हूँ, सम हो गया, तो सम में प्रॉब्लम क्या हुआ? सम में प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर यहाँ पे कोई एरर आएगा, कोई एरर आया तो यहाँ पे एरर नहीं दिखेगा। ठीक है सर, कि अगर एरर है तो एरर आपका शो नहीं होगा। एरर आपका शो नहीं होगा। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें एरर को इग्नोर करना है। यहाँ पे मान लीजिए हमने अगर कोई भी किसी भी तरह का NADIV एरर आ गया, तो मुझे उस एरर को इग्नोर करके सम करना है। तो इसके लिए खाया तो हम एरे इस्तेमाल करते थे, या फिर इसके बगल में हम इफ एरर देते थे, और हम इफ एरर में बोलते थे कि अगर एरर आए तो 0 कर दे, फिर इसका सम दे। क्योंकि कोई भी फॉर्मूला, आपका जो भी फॉर्मूला है, वो एरर को, अगर इसका इनपुट एरर है तो आउटपुट एरर ही देगा। लेकिन आपको इतना एक अलग कॉलम में करने की जरूरत नहीं था, इसके लिए फॉर्मूला था एग्रीगेट। एग्रीगेट फॉर्मूला सब टोटल और इफ एरर का दोनों का मिश्रण है। तो एग्रीगेट, अब यहाँ पे क्या करना है? सम करना है। हमने इसको सम लिया एंड कॉमा, हमने इसको इस पे देना होता है इग्नोर, कि क्या इग्नोर करना है। तो हमने यहाँ पे दे दिया कि इग्नोर हिडन रो एंड एरर वैल्यू। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एरर का है, लेकिन मैंने यहाँ पे हिडन रो ही दिया, और फिर सिलेक्ट कर लिए डेटा को। ठीक है, तो सेम उसी तरह से अगर आपके डेटा में एरर के चांसेस हैं, तो आप एग्रीगेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सब टोटल की जगह पे। तो अखिल जी एंड रक्षित जी, समझ में आया आपको? डिफरेंस समझ में आ गया एग्रीगेट फॉर्मूला एंड सब टोटल का। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं फिल्टर करता हूं, अगर मैं यहाँ पे सीआरटी कर दिया तो यहाँ पे देखिए सीआरटी का ही टोटल आ रहा है। एरर आएगा अगर मान लो बीच में मैंने एरर दे दी है तो एरर में ए रिजल्ट सब टोटल नहीं देगा बट ये आपका रिजल्ट दे रहा है क्योंकि हमने एरर को हिडन करने का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब एग्रीगेट के बाद अरेबिक का फॉर्मूला है, इसके बारे में जान लीजिए। जैसे मैंने नंबर हम देते हैं तो मुझे रोमन नंबर में लिखना है तो 1 2 3 नहीं, मुझे रोमन नंबर होता है ना 1 इस तरह से लिखना है। तो इस तरह से लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो आपके पास एक रोमन का फॉर्मूला है जिससे आप नंबर को रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस आपको रोमन से नंबर में लाना है तो अरेबिक का फॉर्मूला होता है। आप अरेबिक फॉर्मूला सिलेक्ट करें तो वापस ये नंबर से रोमन में ला देगा। तो अरेबिक फॉर्मूला का यूज इसीलिए होता है। अब यहाँ पे सेलिंग एंड फ्लोर का दो फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये अच्छा फॉर्मूला है। जैसे कि मान लीजिए कि राउंड के फॉर्मूला हम पहले जानते हैं। जैसे कि हमारे पास डेसिमल्स में है तो इसको राउंड करने के लिए हम राउंड का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे कॉमा 0 कर दिया तो ये आपका राउंड हो गया। नियरेस्ट राउंड क्या करता है, नियरेस्ट करता है। दूसरा हमारे पास आता है राउंड डाउन जो कि वो ये आपका आता है डाउन करता है। यहाँ पे कॉमा 0 क्यों कर रहा है, ताकि कम हो। जैसे मान यहाँ पे 0 की जगह पे मान लीजिए मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस दे दिया तो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस दिखेंगे और डाउन में भी मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो 2 आपको दिखेगा। ये कब यूज होगा, जब आपके पास डेसिमल प्लेसेस ज्यादा है। जैसे मैंने प्लस है 15.3675। सर राउंड और राउंड अप में डिफरेंस क्या है सर? राउंड जैसे राउंड अप यहाँ पे देखिए आपको 336 दिख रहा है ना, 364 दिख रहा है राइट। अगर मैं 4 की जगह पे मैं 8 कर दे 7 कर देता हूँ तो यहाँ पे 37 हो जाएगा। 37 हो गया क्योंकि नियरेस्ट 37 है। लेकिन राउंड डाउन क्या है, यहाँ पे आपको 36 दिखाया, वो हमेशा लोअर ही दिखाएगा। मतलब लास्ट में पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखाएगा वो। तो नहीं, आप जितना नंबर डालेंगे उतना डिजिट दिखाएगा, 0 डालेंगे तो डिजिट नहीं दिखाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मुझे डेसिमल प्लेसेस दिखाना ही नहीं है तो 0 कर दीजिए तो आपका 85 ही दिखाएगा। समझ गया। और इसमें अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये आपका 86 दिखाएगा। ये भी 85 ही है, 36 ना है। यहाँ पे मैं अगर 56 कर देता हूँ, देखिए डिफरेंस दिख गया सर जी। तो राउंड अप क्या करता, राउंड क्या करता है, नियरेस्ट दिखाता है। राउंड डाउन क्या करता है, लोअर दिखाता है। और हमारे पास एक राउंड अप है, और राउंड अप क्या करता है, राउंड अप जो है अपर की वैल्यू शो करता है, हमेशा ऊपर की वैल्यू, चाहे वो 85.01 ही क्यों ना हो, फिर भी वो 86 ही दिखाएगा। अगर लाला जी के भाषा में सुनिएगा तो पैसा अगर मान ले कि इंटरनल ट्रांसफर करना है तो राउंड यूज कर लो, पैसा किसी को देना है तो राउंड डाउन यूज कर लो, पैसा किसी से लेना है तो राउंड अप यूज कर लो। ठीक है सर। लेकिन ये तो हमने डेसिमल्स को राउंड किया, अगर मुझे नंबर को राउंड करना हुआ तो अब नंबर के राउंड से क्या मतलब आ गई। जैसे कि आप एफडी करना चाहते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में बोलता है कि भाई आपको जो है 500 के डोमिनेशन ही डालना पड़ेगा, मतलब कि 500 के मल्टीप्लेक्स ही हम आपको लेंगे, उससे कम का नहीं लेंगे। समझ गए, मतलब कि 500 रुपये जो आपका है, मान लीजिए आप 1500 कराना चाहते हो करा सकते हो, आप 1400 नहीं करा सकते हो, खाए तो 1000 कराना पड़ेगा, नहीं तो 1500 कराना पड़ेगा। आप 1800 नहीं करा सकते हो, आपको 2000 कराना पड़ेगा। ऐसी तरह से इस तरह से मान लीजिए कि मैंने बैंक को बोला कि मुझे 18,324 करना है तो बैंक बोला कि नहीं 18,324 नहीं होगा, तो कितना होगा, ये कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा आपका सेलिंग से। सेलिंग या सेलिंग में दोनों एक ही होता है। यहाँ पे 500 हमने दे दिया तो 18,500। अब आप बोला कि अच्छा ठीक है मैं ज्यादा नहीं मैं कम भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए फ्लोर है। फ्लोर नीचे राउंड डाउन जो होता है ना, डाउन की तरह फ्लोर का इस्तेमाल होता है। फ्लोर 500 ठीक है, क्लियर सर? या फिर इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप जो है एक होलसेलर है या भी किसी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो प्रोडक्ट को आप बॉक्स में बेचते हैं जो कि 12 के फॉर्म में होता है। हमारे कोल्ड ड्रिंक ही समझ लीजिए ना कि कोल्ड ड्रिंक के बोतल जो है आप जो है 12 पीस का बॉक्स होता है, आप बॉक्स बेचते हैं, आप लूज नहीं बेचते हैं। बट एक बड़े पार्टी का ऑर्डर आया, उसने बोला कि मुझे 5235 बॉक्स चाहिए, उन्होंने हिसाब कुछ कैलकुलेट किया हुआ है। तो आप बोलोगे नहीं 5235 तो मैं नहीं दूंगा। तो उसके लिए आपको निकालना होगा कि कितने पीसेस आपके बॉक्सेस में होंगे। तो आपको क्या करना होगा, सेलिंग का इस्तेमाल करना होगा। सेलिंग मैथ दोनों सेम ही होता है। यहाँ पे आपने 12 का सिग्निफिकेंट डाल दिया, तो यहाँ पे बोला कि भाई आपको 5244 पीस लेना पड़ेगा। बोलेगा थोड़ा एक दो मैं बोलेगा कि 5-10 कम भी चलेगा, तो फिर आप उसके लिए फ्लोर दोगे। और फ्लोर या फ्लोर मैथ आप उसको बोलोगे कि हाँ आप जो है कम करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करना था ना, कम करना है तो फिर आपको 1232 लेना है या 1244 लेना है। तो ऐसा वो बोल देंगे ठीक है। उसके बाद आप इसको सिंपली डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो आपके बॉक्सेस पता चल जाएंगे। सीधे बोलेंगे 437 बॉक्सेस या 436 बॉक्सेस निकाल दो। इसका यूज हम लोग फ्लोर एंड सेलिंग में करते हैं। अब एक फॉर्मूला इसमें कॉम्बिन का था, हालांकि कॉम्बिन फॉर्मूला मुझे पता नहीं क्या यूज होता है, लेकिन हाँ जैसे कि मान लीजिए कि आपने 3 आपने सिलेक्ट किए, 3 पर्सन का इंटरव्यू में आपने सिलेक्ट किया, लेकिन आपको 2 कहीं ज्वाइन करना है, तो आपके पास कितने चॉइस है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉम्बिन इस्तेमाल करते हैं कि कॉम्बिन 3 पर जो परम्यूटेशन वगैरह होता है ना, वो होता है कि आपने यहाँ पे मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी को आपने किया, तो आप मिस्टर ए और बी को ज्वाइन करा सकते हैं, बी और सी को, या फिर ए और सी को करा सकते हैं। ये कॉम्बिन होता है। ऐसे यहाँ पे आता है कॉम्बिन ए, कॉम्बिन ए। तो कॉम्बिन ए में क्या होता है कि ए पूरा नंबर देता है, तो 6 आया, मतलब कि ए रिपीट भी कर सकता है, कि ए भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, इस तरह से रिपीट कर देता है, तो डबल हो जाता है। हालांकि इसका ऑफिस में क्या यूज है, मैं इसका कभी यूज किया नहीं, तो मैं आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। ऐसे ही बाकी क्या है इसमें, फैक्ट आपका फैक्टोरियल नंबर निकालता है। जैसे आपने नंबर दिया 5, तो 1 2 3 4 5 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे आपका फैक्ट डबल है, तो फैक्ट डबल में क्या है कि अगर आपने 5 डाला तो उसके अंदर जितने भी ऑड नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देगा, अगर आपने 6 डाला जितने भी इवन नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देगा आपस में। मैथमेटिक्स में आप पढ़ते होंगे फैक्ट, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, ये आपका जो महत्तम हम लोग निकालते थे ना, वो आ गया। जैसे मान लीजिए ना कि आपके पास जो है 52 है और आपके पास जो है 12 है, इन दोनों का कॉमन डिवाइडर कौन है, तो इसका कॉमन 12 है, तो प्लस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाना होगा GCD। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए 52 और 5 कर दिया या 10 कर दिया, तो रिजल्ट आपका 2 आना चाहिए, ग्रेटेस्ट डिवाइडर 2 है। इस तरह की GCD इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंट आपका इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करता है, जैसे आपने डेसिमल डाला था, डेसिमल को रिमूव कर देगा। आपका ये LCM है, LCM निकालता है। उसके अलावा यहाँ पे मोड का फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, क्या मोड एंड एमराउंड, दो फॉर्मूला मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि मुझे डेसिमल्स को रिमूव करने हैं, तो आप यहाँ पे इंट लगा देते हैं, लेकिन मुझे डेसिमल ही अलग करने हैं, तो आप इन दोनों को माइनस कर सकते हो, तो डेसिमल आपका सिर्फ डेसिमल अलग होगा, लेकिन मैं माइनस नहीं करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे मोड लगा सकते हो। मोड करता क्या है कि मोड सेल्सफुल निकालता है। जब डिवाइड का सेल्स रिमाइंडर जो होता है वो रिमाइंडर निकालता है। जैसे मान लीजिए 14 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल 4 आएगा ना, 5 दूनी 10 और 4 बच जाएगा तो 4 शेषफल हुआ, ये निकालता है। तो इससे डेसिमल कैसे निकलेगा अलग। तो एक मैथमेटिकल थ्योरी है कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो शेषफल रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन आपका वो नंबर डेसिमल में है तो उसका आपका शेषफल डेसिमल आएगा। तो अब इसका यूज कहाँ करेंगे, जैसे मान लीजिए ना आपके पास एक टुडे का फॉर्मूला है जो कि डेट शो करता है ऑटोमेटिकली, ऐसे आपके पास एक नाउ का फॉर्मूला है जो कि डेट एंड टाइम दोनों शो करता है, बट मुझे सिर्फ टाइम चाहिए नॉट ए डेट। तो उस केस में हम मोड के अंदर में नाउ को डालेंगे और यहाँ नाउ को डाल दिया, यहाँ पे कॉमा 1 कर देंगे तो आपके सामने सिर्फ टाइम आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप डेट एंड टाइम को जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो जो आपका नंबर है वो आपका डेट है, जो आपका डेसिमल है इट्स योर टाइम। क्लियर सर? अब इसमें एम राउंड का फॉर्मूला है। अब एम राउंड सिंपल है, जैसे कि मान लीजिए ना कि आपके पास 50 गिफ्ट आए हैं जो कि 17 लोगों में बांटना है, बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो आपको बॉस को बताना है कि बॉस कितने गिफ्ट और होने चाहिए जो कि 50 कितने गिफ्ट होने चाहिए जो कि 70 लोगों में बट जाए, इक्वली बट जाए। तो उसके लिए एम राउंड हम लोग जब बच्चा थे 4th या 5th में तो इसका यू हम लोग बनाते थे मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन आता था कि वो संख्या ज्ञात करें जो 50 के नजदीक हो एंड 17 से डिवाइड हो जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कहाँ थे सर? अरे सर भूल जाता हूँ सुबह सुबह। तो यहाँ रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। 51 हो गया सर रिकॉर्डिंग। अच्छा जी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं आपको भेज दूंगा। नहीं अभी मेरा ऑन तो कर दीजिए। हो गया तो यहाँ पे एम राउंड का फॉर्मूला था आपका, ये आपका पाई का मान देता है, ऑड नंबर में कन्वर्ट करता है, पावर स्क्वायर निकालता है, जैसे आपने स्क्वायर क्यों निकालना है तो इसका यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई कर देता है, रैंडम नंबर देता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा। जैसे आपको रैंडम नंबर चाहिए इसमें डेसिमल में चाहिए तो रैंड कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन मुझे रैंडम नंबर चाहिए बिटवीन 2 नंबर्स तो उसके लिए हम रैंड बिटवीन यूज करते हैं, जो कि आपने देखा होगा मैं बहुत इसका इस्तेमाल करता हूँ कि आप स्टार्टिंग और एंडिंग दे दें, इसके बीच में आपको रैंडम नंबर आएगा। रैंडम क्या होता है याद होगा आप लोग यूज करते होंगे ओटीपी। ओटीपी मेथड पे होता है, जैसे मान लीजिए 4 डिजिट का ओटीपी आपको जनरेट करना है तो इसका यूज आप कर सकते हैं रैंड बिटवीन 4 नंबर, यहाँ पे नहीं। अब आपको कोई भी 4 नंबर का दिख जाएगा, इसका कोई पैटर्न नहीं है सर, कोई भी दे सकता है सर ये। तो आप पता है सर ये रैंड बिटवीन फॉर्मूला बना कैसे है? हालांकि वीबीए में इसका हम लोग बनाते थे। तो रैंड बिटवीन बना हुआ है रैंड फॉर्मूला से, जैसे कि हमने यहाँ पे मान लीजिए 10 से मुझे 90 के बीच का नंबर चाहिए, कोई भी रैंडम नंबर। तो सबसे पहले मैंने रैंड का फॉर्मूला निकाला, रैंड का फॉर्मूला लगाया और इसमें मैंने 90 माइनस इसको मल्टीप्लाई निकाला, डिफरेंस निकाला, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 10 इससे 80 से और फिर इसमें प्लस 10 कर दिया, जो 10 मिनिमम है वो डाल दिया, तो मिनिमम 10 होना चाहिए। फिर इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए हर बार आपको 10 से 90 के बीच में डेटा आएगा, कहीं भी मैं डबल क्लिक करूंगा तो 10 से छोटा आएगा और ना ही आपका 90 से बड़ा आएगा। इस प्लेटफॉर्म पे बना, इस मेथड से बना हुआ है रैंड बिटवीन। सर एक डाउट है, हाँ ये आप डबल क्लिक कहीं भी कर रहे हैं तो चेंज कैसे हो जा रहा है अपने आप? रैंड बिटवीन का काम ही है कि जब भी कहीं पे कभी कोई भी सेल पूरे में अगर एडिट मोड में आता है और एडिट मोड से वापस एग्जिट होता है तो रैंड बिटवीन अपना नंबर जो है, अपना जो फिगर है उसकी रैंडमली चेंज करता है। इसका यूज हमने एक बहुत ही सिक्योर फाइल में किया था सर। क्या था कि सर एक कंपनी में हमारे पास कुछ कस्टमर्स के कार्ड की इंफॉर्मेशन थी, उस कार्ड की इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होना चाहिए था, बट एक्सेल फाइल में डली हुई थी, एक्सेल फाइल में सिक्योरिटी तो वीक है, पता ही आपको जी। तो हमने उसको VBA के जरिए लॉक किया था, दो बंदे था, मतलब एक हमें करना था कि कोई भी पर्टिकुलर फाइल, इस फाइल दो बंदे हैं, उसमें दो बंदे होते थे, वो दोनों की सहमति से ही खुले। तो हमने फाइल में क्लोजिंग पे जब भी फाइल क्लोज, VBA प्रोग्राम बना रखा था कि जब भी फाइल क्लोज होती थी तो उसका पासवर्ड चेंज करता था, उस पासवर्ड को किसी और पीसी के किसी और फाइल में वो सेव होता था, जो कि उस VBA में जैसे यूज होता है सर वो। हाँ। लॉग इन करने के लिए। हाँ। मतलब कि इस फाइल की जो पासवर्ड है वो पासवर्ड किसी और बंदे की पीसी के अंदर फाइल में सेव होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी है तो मिस्टर बी के पास ये फाइल रहेगा और मिस्टर ए के पास इसकी पासवर्ड रहेगी। अच्छा। हाँ, तो मिस्टर बी को फाइल खोलना है तो मिस्टर ए से पासवर्ड मांगना होगा, और मिस्टर बी को फाइल खोलना है तो मिस्टर ए को पास फाइल खोलना है तो मिस्टर बी के पास जाना होगा और मिस्टर बी के सामने फाइल खुलेगी सर। तो ये चीजें हमने इसी रैंड बिटवीन से बनाया हुआ था। तो इसमें आगे है हमारा यहाँ पे। तो अब इससे आगे आपका राउंड वगैरह तो पता ही दिया था मैंने आपको, ये आपका SQRT स्क्वायर रूट होता है और सब टोटल पढ़ा ही दिया। इसमें अब बाकी सम तो पता ही है, सम इफ और सम इफ का जो है सम प्रोडक्ट आपको पढ़ा देता हूँ अभी। दो फॉर्मूले हैं जो कि हम आपको कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे सम प्रोडक्ट क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपके पास क्वांटिटी है और ये आपके पास MRP है। जैसे कि मान लीजिए कि 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है एंड 60, ये आपकी क्वांटिटी है, और 45, 87 ये आपकी MRP है। तो मुझे यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करना है कि आखिर कितना हुआ अमाउंट टोटल। तो आप क्या करेंगे कि हर एक का मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, फिर उसको सम करेंगे ना सर। तो यहाँ पे हम सम प्रोडक्ट होता है, सम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा और सम प्रोडक्ट में मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और कॉमा इसको सेलेक्ट कर लूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लाई भी कर देगा और सम भी कर देगा। लेकिन इसका यूज हम एरे में और अलग अलग तरीके से करते हैं, तो हम आपको एरे की क्लासेस में पढ़ाएंगे। तो अभी आप इस फॉर्मूले पे प्रैक्टिस कीजिए। कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सम इफ, मतलब सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ में डेटा समराइजेशन फॉर्मूले को, ठीक है। और कुछ लोग लेट ज्वाइन किए हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करके आपको इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।